हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंग बिंच। आज हम बनाएंगे झटपट से तैयार होने वाला मखनी पनीर। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 500 ग्राम पनीर लिया है, उसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। हम बड़े क्यूब्स इसलिए काट रहे हैं ताकि वो हमारी ग्रेवी में घुल ना जाए। अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जिसका रंग अच्छा आता है। अब पनीर को टॉस कर लेंगे ताकि सारा मसाला पनीर पर कोट हो जाए। हम पनीर को मैरिनेट इसलिए करते हैं ताकि वो सारे मसाले और फ्लेवर पनीर के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जब तक पनीर मैरिनेट होता है, हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3 से 4 प्याज लेंगे और उनको रफली चॉप कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल या घी डालेंगे और उसमें हमारी रफली चॉप प्याज को फ्राई करेंगे। हम प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे और 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने नमक इसलिए डाला है ताकि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाए और उसके एजेस ब्राउन हो जाए। 5 मिनट फ्राई करने के बाद 2 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे और सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई होती है, मैं यहाँ 4 टमाटर लूंगी और उनको रफली चॉप कर लूंगी। चॉप किए हुए टमाटरों को पैन में डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे। सात आठ मिनट फ्राई करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और मिक्सर जार में डालकर एक इसका क्रीमी पेस्ट बना लेंगे। देखिए, पेस्ट बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब उसी पैन में हम अपना मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। Thank you.
फ्राई करने के बाद हम पनीर को वापस उसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और उसे पिघलने देंगे। अब इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़े से यहाँ मैंने किचन किंग मसाला लिया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, और इनको हल्का सा भुनेंगे। जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको हम पैन में डाल देंगे। हमारा मसाला वेस्ट ना हो इसलिए मैं जार में थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको भी हिलाकर पैन में डाल दूंगी। पैन में 2 टेबलस्पून केचप डाल देंगे और 1/2 कप क्रीम डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कुछ लोग शुगर और टमाटो प्यूरी दोनों डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ टमाटो केचप इसलिए डाला है क्योंकि वह दोनों का ही काम करता है। फाइनली हम ग्रेवी में पनीर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए तैयार है हमारा क्रीमी और बेहद जायकेदार मक्खनी पनीर, वो भी 20 मिनट से भी कम समय में। अब हम इसको गार्निश करेंगे क्रीम और कसूरी मेथी के साथ। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान, पराठा या राइस के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिंग बेंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।